अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट स्पेशल। ये हमारा ट्राई नेशन सीरीज स्पेशल शो है जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश है एक दूसरे के आमने सामने। वो बैड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश बिकॉज वो एलिमिनेट हो गए। आज न्यूजीलैंड ने उनको 48 रन से शिकस्त दे दी, बट देन दे हैव अ डेड रबर मैच अगेंस्ट पाकिस्तान टुमारो। तो बांग्लादेश अपनी प्राइड के लिए खेलेगी एंड ऑफकोर्स पाकिस्तान भी चाहेगा कुछ एक्सपेरिमेंट करना, इफ दैट्स इवन एन ऑप्शन। और उसके साथ साथ ऑफकोर्स हम ये भी आपको बताएंगे कि शाहीन शाह अफरीदी की क्या अपडेट है। भाई शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने रिहैब कंप्लीट कर, उनका हो गया है, 15 अक्टूबर को वो स्क्वाड ज्वाइन करेंगे इन ब्रिस्बेन। और उसके साथ साथ फ़खर जो है उनकी अभी तक रिहैब चल रही है, उनको नी इंजरी है, फ्यू रिमेंबर सो दैट उनकी अपडेट अभी हमें नहीं पता है, बट ये पता है कि रिहैब उनका अभी इन प्रोसेस है। और ऑफकोर्स एंड गुड न्यूज़ ये है कि कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, बी रेडी बिकॉज न्यूजीलैंड इज़ गोना कम टू पाकिस्तान। और उन्होंने हमारे साथ खेलने हैं 8 ODI, 5 T20 मैचेस एंड 2 टेस्ट। तो ये सब वेन्यूज़ होंगी रेडी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड मुल्तान में जब न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी। अब होपफुली दिस टाइम दे आर गोना स्टे। और ये 2 दफ़ा आएंगे, ठीक है, तो ये 5 मंथ्स के बीच में 2 दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी। दैट्स एन अपडेट। एंड ऑफकोर्स आर वेमेन टीम परफॉर्मिंग सो वेल। एशिया कप के सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान वेमेन टीम ने जगह बना ली है एंड कल उन्हें जिस तरह श्रीलंका को शिकस्त दी है उसका तो ही मज़ा ही आ गया। तो जल्दी से बताएं कि 5 विकेट से पाकिस्तान ये मैच जीता। और अगर पाकिस्तान बॉलिंग की बात करें तो निदा डार ने 1, तूबा हसन ने 2, उमैमा सुहेल विद हर 5 विकेट्स अमेजिंग। और बैटिंग की बात करें तो फिर मुनीबा ने 10, सिद्रा अमीन ने 13, बिस्मा मारूफ 13 रन बनाए, निदा डार 26, आलिया रियाज 20 और आयशा नसीम ने 16 रन बनाए एंड 16 रन में थे वो 2 सिक्सेस। Well, if the boys can't do it, the girls are definitely do it. And that's those 2 sixes really wrapped up the match. और इसी तरह पाकिस्तान ने अब सेमीफाइनल में जगह बना ली। और सेम ऑपोजिशन बाय द वे हमने श्रीलंका को ही फेस करना है, तो इसको हम कहते हैं कैमियो जो कि 2 सिक्सेस वाला है। और उमैमा सुहेल थी जी सुपर गर्ल ऑफ द मैच बिकॉज उन्हें 5 विकेट्स भी ली एंड दोज 2 अमेजिंग कैचेस। सो ये था भाई जो कुछ हो रहा है न्यूज़ में, क्रिकेट न्यूज़ में। और हमारे एक्सपर्ट भी वेट करें ईगरली जस्ट टू टॉक अबाउट इट। और मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद याया हुसैनी। हेलो याया, हाउ आर यू? एंड मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड क्रिकेट के भी सिकंदर है वो, सिकंदर वक्त, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है जो हमेशा हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है ऑफ द फील्ड। तो भट्टी साहब से तो हम ये बातें करेंगे। भट्टी साहब हमारे जासूस हैं। हाँ, जासूस इज नॉट द, हाँ, द चिड़िया, ही इज द सीक्रेट चिड़िया, बट बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए आप बोल ही रहे तो आप ही शुरू करते हैं ना। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर अ गर्ल्स? आपके शर्ट का कलर बहुत अच्छा। थैंक्स सिको, आई एम गोना से द सेम अबाउट योर हैंडकरचीफ जो आपने डाले, रुमाल। किसी की तारीफ ही करते हैं। अच्छा, जो बच्चियों की आप बात कर रहे थे, एक तो एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट गर्ल्स, जो हमारी खवातीन की टीम की जो परफॉर्मेंस जा रही है इस वक्त। मैं तो जो चीज़ मुझे बड़ी इंप्रेस की थी उस दिन जब वो मैच जीते थे और उसके बाद जो लड़कियों ने आके बात की ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, निदा ने भी और उनका हमारी जो कप्तान है क्या नाम है उसका, बिस्मा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना उसने बात की और बड़ा अच्छा लगा मुझे। उमन हम देखते हैं कि लोग घबराए हुए होते हैं, जब हम उर्दू में बात करेंगे तो पंजाबी में करेंगे, मगर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात की विच वॉज वेरी इंप्रेसिव। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। ठीक है, एंड या यू नो गुड थिंग है जब आप यू नो जब आप जीत रहे होते हो ऑफकोर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, यू नो, और वही आप देखने को मिला है। बट तूबा गुड फाइंड, आयशा नसीम के 2 सिक्सेस, दे वाज द गुड फ्रॉम द मैच, निदा डार के अलावा हम पता नहीं क्या करेंगे बिकॉज शी इज़ डूइंग सो वेल। तो बहुत, और आलिया के वेरी इंपॉर्टेंट रन। सो द गर्ल्स एज अ टीम, एज अ यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लग रहा है उनके कोई मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी तरह। नहीं, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था और हाँ, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, ओवरकम हाँ, किया ये कह सकता हूँ अगर आपकी ज़बानी बात करूँ। और बुनियादी वजह यह है कि निदा डार जो है वो चिप इन कर रही हैं और पहले मैच में भी अगेंस्ट इंडिया उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आलिया रियाज लेट ऑर्डर में बैटिंग कर रही थी और आलिया रियाज को जो है बॉटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और जहाँ तक तूबा हसन की बात है, श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान आई थी खवातीन टीम, तो वहाँ पर उन्होंने डेब्यू किया था और वहीं से उन्होंने बड़ी उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन उसके साथ जो है वो सिलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जब टीम जीतती है तो सारी चीज़ें जो है वो छुप जाती हैं, लेकिन फाइनली हम आखिरी 4 में आ गए हैं और श्रीलंका के साथ ही हमारा मुकाबला है और टफ मैच होगा। ये मैच बारिश से मुतासर था, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि जीत के सब दावेदार होते हैं, जीत के साथ सब एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन हार जो है वो यतीम होती है। तो फिलहाल हमें प्रेस करना चाहिए अपनी खवातीन टीम को इस टूर्नामेंट में। हम इंडिया से जीते हैं, श्रीलंका को हमने हराया है, UAE को हराया है, मलाइशिया को हराया है, लेकिन एक डार्क डे था हमारा जब हम थाईलैंड से हार गए थे, उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट की थी।
बट इस वक्त हम फाइनल फोर में और सिर्फ फतह से एक मैच की दूरी पर हैं फाइनल में जाने से। तो मेरा ख्याल है कि हमें प्रेस करना चाहिए और इस टूर्नामेंट में इस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं लड़कियों के जो क्रिकेट को क्यों अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है बच्चियों के साथ, काफी है, थोड़े नहीं है। जिस जमाने में मैं साउथ एंड में कोचिंग करता था, हम उनको मैच देते थे, उनके पेरेंट्स से मैं बात कर रहा होता था, उनके बच्चियों के साथ हम बच्चों को खिलाते थे, तो उनके बच्चे हमारा जो माशरा है, जो कल्चर है, उसके हिसाब से बेचारी निकलना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बावजूद, इतनी कम क्रिकेट होने के बावजूद, दे परफॉर्म, दे प्ले, तो मैं इसलिए उनको बहुत एंड देखो ऑब्वियसली वेरी टफ फॉर गर्ल्स बिकॉज क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बहुत बोलते हैं, यू नो वो अलग चैलेंजेस हैं। फिर ऑफ कोर्स अब जो क्रिटिक्स बात करते थे, कोई एक मैच हार गए तो लोग बहुत बहुत बातें करते थे, उसको भी ओवरकम करके मैच जीतना, यही आप अपनी परफॉर्मेंस से एक्चुअली जवाब दे सकते हो क्रिटिक्स को। भट्टी साहब, आप क्या चांसेस देख रहे हैं? आई मीन ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सेमीज में हैं, अब हमें थोड़ी जीत की आदत हो रही है, अब वी वॉन्ट टू प्ले द फाइनल टू नाउ। जी हाँ फातिमा, पाकिस्तान को फाइनल खेलना भी चाहिए, बल्कि फाइनल जीतना चाहिए। लेकिन देखें, ये पाकिस्तान की टीम काफ़ी अरसे से तूबा मेरे ख्याल में एक नया फाइंड है, जिस तरह याहिया भी बता रहे थे कि पिछली सीरीज जो श्रीलंका की होम सीरीज थी उसमें वो आई थी। लेकिन इस वक्त जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान के पास हेड कोच नहीं है। कुछ हफ्ते पहले जो ऑस्ट्रेलियन हेड कोच थे वो छोड़ के चले गए, सलीम जाफर जो फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं वो इंटरम पाकिस्तान के हेड कोच हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह थाईलैंड के खिलाफ मैच हारा और उसके बाद ये टीम खड़ी हुई है, तो उम्मीद ये है कि एशियन लेवल पर पाकिस्तान की टीम अब अपने आप को मनवाएगी, एशिया कप जीतेगी। लेकिन डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है ये टीम। मेरे ख्याल में एशिया के बाद जो वर्ल्ड का जो एक कम्पीट करने का पाकिस्तान का मरहला है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये दुनिया की बड़ी टीमें हैं, तो उम्मीद ये है कि नई लड़कियां भी आएंगी और पाकिस्तान की ये टीम वर्ल्ड लेवल पर भी अपने आप को मनवाएगी। लेकिन इस वक्त ये टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है उसकी तारीफ करना बनता है। एब्सोल्युटली, और यू नो हम लोग वेट करेंगे कल के सेमीज का, एंड मे बी दे डोंट नीड अ कोच, जस्ट सेइंग, मे बी दे आर डूइंग बेटर विदाउट अ कोच। वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि हम मर्द को कोच रखने के बजाय, देखिए बच्चियों में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, जो मर्द कोच होता है वो भी अगर हाथ पकड़ के बताना चाहे कि यार तुमने ऐसे शॉट खेलना है या वॉट एवर, थोड़ी हमारे कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा इशू है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जैसे इंग्लैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की खवातीन हैं जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल चुकी हैं अपने दौर में, अगर वो कोच हैं तो वाई नॉट हायर देम, वो बहुत आसान हो जाएगा हमारी बच्चियों के। एंड देन आई थिंक आफ्टर दिस सीरीज, ये टूर्नामेंट रैप अप होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द टीम कैन आस्क फॉर, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। हम लोग बात करना बंद नहीं करेंगे अबाउट गर्ल्स, बट वी ऑल्सो हैव टू मूव एंड टॉक अबाउट जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है। सो या आज न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया 48 रन से, 208 रन का टारगेट दिया था। बांग्लादेश डिड ट्राई, आई मीन अगर हम स्कोर कार्ड भी देखें तो शकीब ने 70 के, फिर लिटन दास ने 23, सुमाया सरकार ने भी आई थिंक 23 रन ही बनाए थे। सो या दे डिड ट्राई टू समवॉट पुट अप अ फाइट, मगर न्यूजीलैंड वर टू गुड। और आप देखें उनकी बैटिंग, 64 कॉनवे ने, 60 गेन फिलिप्स से, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। आज के मैच की जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी फातिमा, वो ये थी कि एक तो रोटेशन पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से पहले, और आज के मैच में उन्होंने जो है अपने एडम मिल ने फास्ट बॉलर को खिलाया। इससे पहले वो बांग्लादेश के खिलाफ ही खेले थे, पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं खेले हैं दोनों मैच, और आज उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को एक बार फिर टीम में डाला। मिचेल सेंटनर जो है, जिन्होंने लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पहले ओवर में 11 रन देने के बावजूद, आज उनको बाहर बिठाया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उनका था, उनके कैप्टन केन विलियमसन जो हैं वो आज नहीं खेले, और उन्होंने मार्टिन गुप्टिल, जो कि T20 क्रिकेट में आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली नंबर 3 बैट्समैन है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले स्पेशलिस्ट, उनको आज टीम में शामिल किया गया, क्योंकि उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, और उनको रिप्लेस किया फिल एलन ने, और उन्होंने बड़ी उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज भी उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले, और न्यूजीलैंड की टीम ने जो है अब पाकिस्तान के साथ 14 तारीख को फाइनल खेलना है, और कल पाकिस्तान का जो मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश वो डेड रबर है। तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने कल इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों पर बैठकर बात करेंगे। अब देखना यह है कि क्या चीज़ हम सीखते हैं, क्योंकि असल मसला ये है कि हम उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में उतार रहे हैं, तो इसीलिए हम चीज़ों को जो है ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप बेंच स्ट्रेंथ को फुल्ली ट्राई करेंगे
कप्तानी में कुछ तब्दीली करेंगे तो फिर कोई बुरा नहीं मानेगा कि जी आप अपनी चीज़ों को ट्राई कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, ख़ासतौर पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं केन विलियमसन के साथ। बाबर आजम ही कप्तानी करेंगे, रिजवानी विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। हाँ, हो सकता है चेंजेस की हम बात करें, फिर होल्ड ऑन टू दैट थॉट बिकॉज हमने क्विक ब्रेक लेनी है। एंड यस, फॉर दिस ड्रेड ब्रावर मैच चेंज से डर लगता है पाकिस्तान को या हारने से, विल फाइंड आउट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान का जो कल डेड रबर मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश, सो कैन पाकिस्तान शेक थिंग्स अप, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे या नहीं, या बिग स्टेप लेंगे जैसा आज कीवीज ने किया, केन विलियमसन नहीं खेले आज का मैच, कप्तानी किसी और को देंगे या नहीं। आई थिंक फातिमा पहली दफ़ा नहीं किया है, बहुत सारी टीम्स भी करती हैं। हाँ। मैं आपको बार बार मिसालें दे रहा हूँ कि जो T20 वर्ल्ड कप अभी जीता है वो ऑस्ट्रेलिया, जिसमें वो छक्के लग गए थे, उससे पहले उनकी एक छक्कों की जरूर बात करनी नहीं, मतलब याद दिलाना जरूरी होता है ना, याद दिलाना तो वो ख्वाब में आते हैं ना, तो अच्छा उससे पहले उनके एक हफ्ता पहले वो बांग्लादेश में खेल रहे थे, वहाँ वेट उनका कप्तान था, छः लड़के नहीं खेले जो कि वर्ल्ड कप जिताया जिन्होंने, छः लड़के मैं नाम गिनवा सकता हूँ, कमिंग्स था, मैक्सवेल था, वॉर्नर था, ये लोग नहीं खेले और वो जाकर वो फिंच की जगह वेड ने कप्तानी की, वहाँ गए वो जीते। हमारे बच्चों को डर लगा हुआ होता है इस मैच में, जो मैंने कल भी एडवाइस किया था कि उनको चाहिए कि दोनों को चाहिए कि ना खेलें, बाबर और वो कहेंगे जी हम नहीं खेलते, ये आप लोग जाओ, यू आर द फ्यूचर, मैच जिता कर दिखाओ, शादाब को आप कप्तानी दे दें, करो जाओ कप्तानी, जीत के दिखाओ, पूरा आपके पास 20 ओवर हैं, जिस तरह खेलना है खेलो, हमें आप जीत के बेशक। हाँ, ओके, अच्छा मैं कहने वाली थी हार जाओ बेशक, होगा नहीं ना यार, क्या होगा, मगर नहीं करेंगे, हिम्मत ही नहीं है, डर, खौफ, मेरी जगह चली जाएगी। मुझे बताएं बाबर की जगह कोई ले सकता है, इतना बड़ा प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर है, रिजवान की इतनी परफॉर्मेंस है, कौन उसकी जगह ले सकता है यार, कौन उसको ड्रॉप करेगा, मुझे बताएं कौन ड्रॉप करेगा, खिलाओ दूसरे बच्चों को, जाओ तुम खेलो, देखता हूँ मैं क्या कर लूँ, इसी तरह टीमें बनती हैं, इनकी मर्जी, ठीक है आपकी भी मर्जी बाबा, आप सुन लेते हैं भट्टी साहब, कैन पाकिस्तान बी ब्रेव इनफ कि वो जो सिकूब कह रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान ना ही खेले कल का मैच, तो करना क्यों नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ आज पहली दफा सिकू के साथ। ओह थैंक यू यार, चलें फातिमा कहीं तो आपने सिकू के साथ एग्री किया, लेकिन देखें मेरे हिसाब से अभी भी डेड रबर नहीं है, डेड रबर इन ए सेंस के खुदा ना खास्ता अगर फाइनल से पहले पाकिस्तान मैच हार गया तो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी 24 घंटे में, मीडिया जो है और सोशल मीडिया पे जो तूफान बरपा होगा, तो ऐसा ना हो कि उनकी फाइनल की प्रिपरेशंस जो हैं उसे उस पर असरअंदाज हो। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं ना कि इनसिक्योरिटी क्यों फील करते हैं, मैं आपको वाकया बताऊं, 8-9 साल पहले की बात है, मोहसिन हसन खान चीफ सिलेक्टर थे और इमरान फरद की वाइफ बीमार थी, जिम्बाब्वे टीम जा रही थी, उनका नाम टीम में था, इमरान फरद ने कहा कि नहीं मैं इस टूर पे नहीं जा सकता, मेरी वाइफ बीमार है तो मेरी जगह किसी और को भेज दें, वो दिन आज का दिन फिर इमरान फरद को पाकिस्तान की तरफ से अगला मैच ही नहीं मिला। तो हमारे यहाँ इस किस्म के वाकयात होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप से पहले अब पाकिस्तान के 2 इंटरनेशनल मैचेस बाकी हैं, अगर टीम समझती है कि शाहनवाज धानी को ट्राई कर लें, हैदर अली को ट्राई कर लें, खुशदिल शाह का क्या फ्यूचर है, तो इस मैच में ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मौका नहीं है, T20 वर्ल्ड कप के बाद जो कुछ होगा, फिर थोड़ा सा गैप भी आना है T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो मेरे ख्याल में लड़कों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जहन से निकाल दें कि हम अपने मेन प्लेयर्स को बिठा देंगे और मैच हार जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी कप्तान मैच हारना नहीं चाहता, सिकू भाई भी जब UBL की कप्तानी करते थे, मेरा नहीं ख्याल वहां भी ये उनके जहन में होगा कि भाई मैं कप्तान हूं और मैं बैठ जाऊं और मेरी जगह कोई दूसरा कप्तानी कर ले, मैं बैठ गया था। वैसे भट्टी साहब यहां हम आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप नहीं नहीं अब भट्टी साहब जो मिसाल दे रहे हैं इमरान फरद उसमें और बाबर और रिजवान में जमीन आसमान का, दे आर नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 हैं, यानी कि अगर जहीर अब्बास कहीं हमारे दौर में जहीर अब्बास या मियादात को हम रेस्ट करवाते या माजिद खान को रेस्ट कराते तो उनको फिकर नहीं थी, वो तो ऑटोमेटिक चॉइसेस थी। बट ये सब कह रहे जनरली स्पीकिंग क्यों प्लेयर्स के अंदर इसी का, नॉट बाबर एंड रिजवान, लोग सब डरते हैं, मगर बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर भी अगर डरे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, तो फिर आप लोग अपनी प्लेइंग 11 पर कल क्या, या व्हाट्स द न्यूज़ दैट यू हैव, आप कह रहे हैं कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। फातिमा 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और 2 दिन इस एतबार से इंपॉर्टेंट है कि 15 तारीख वो तारीख है 15 अक्टूबर के, एक तरफ हमें अच्छी खबर मिल रही है कि 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में लंदन से जो है आ रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी फ़खर जमान के साथ,
और 15 तारीख तक आपके पास अपने स्क्वाड में जो आपने 15 रुकनी टीम का ऐलान किया वर्ल्ड कप के लिए, उसमें तब्दीली का आपके पास गुंजाइश मौजूद है, और उसके बाद जो तब्दीली होगी वो टेक्निकल बुनियादों पर होगी, यानी अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अलावा आप फिर स्क्वाड चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे इस बात का कभी इम्कान लग रहा है कि हैदर अली जो हैं उनकी जगह ट्रेवल रिजर्व में से फखर जमान जो है वो 15 रुकनी टीम में आ रहे हैं, एक तब्दीली तो मुझे ये नज़र आ रही है। एक सेकंड आइए, बट उनकी अभी नी इंजरी तो कह रहे हैं रिहैब अभी तक चल रहा है, ओवरकम नहीं हुई है, या आपको कोई अपडेट पता है उनकी? देखिए फातिमा, ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बताया शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, तो ये खबर भी आई कि जी वो जो रिकवरी शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से हुई है वो एक दिन में 8 से 12 ओवर डाल रहे हैं, और वो पाकिस्तान की तरफ से 17 तारीख को अगेंस्ट इंग्लैंड बुलन गाबा ब्रिस्बेन पर, और फिर बुलन गाबा ब्रिस्बेन पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे, इस एतबार से जो अपडेट नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो मैच है वो 23 तारीख को है वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ, और उसके बाद 27 या 28 को फिर हम पर्थ में खेलेंगे वो जो क्वालिफाइंग टीम करके आएगी वर्ल्ड कप में उसके साथ। तो 10 दिन अभी हमारे पास हैं, अगर पहला मैच फ़खर को आप नहीं भी खिलाते तो मेरा ख्याल है कि फ़खर के साथ शायद ये चांस लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक आप कल के मैच में प्लेइंग 11 के हवाले से बात करिए, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा कुछ तब्दीलियों के साथ कल मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल माजिद भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हम फाइनल से पहले जो है अपना मोराल अप करना चाहेंगे, और बांग्लादेश को हराकर जो है वो न्यूज़ीलैंड के साथ अच्छा मुकाबला करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आज के मैच में आप देखें कि न्यूज़ीलैंड ने कप्तान को बाहर बिठाया, लेकिन उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को ट्राई किया है आज के मैच में, और बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 प्लस के जवाब में 48 रन से मैच हारी है। तो बांग्लादेश की टीम जो है वो इस बात की अहलियत रखती है कि आपको वो टफ टाइम दें, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है आज क्लिक कर गई। तो कल मुझे लगता है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे। हाँ, ये ठीक बात है कि आपने जिस तरह लास्ट मैच में आराम कराया था हारिस रऊफ को, तो इस मैच में भी आप हारिस रऊफ को एक और आराम करने का मौका दे सकते हैं, फाइनल से पहले उनको ताज़ा दम होने का मौका दे सकते हैं। उन्होंने सारे जो बॉक्स हैं उनको टिक किया है परफॉर्मेंस के एतबार से, फिटनेस के हवाले से, तो उनका आराम बनता है। हसनैन को अभी तक हमने ट्राई नहीं किया, अगर उनको खिलाएंगे तो बुरा नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम सब बार बार बात करें फखर की, फखर ने आपको पता है कि एशिया कप में 6 मैचों में सिर्फ उन्होंने 26 रन किए, लेकिन सर वो कभी कभी नाम ही काफ़ी नहीं, मगर ये कि नाम ही काफ़ी। अब हमारे पास चॉइसिस ही नहीं है, पर आपने देख लिया ना, फिर दूसरी चॉइस भी जो थी, हमारी चॉइस क्या है कि हम उस शख्स को ले रहे हैं कि जिसने सिर्फ 96 किए। अभी मैं रिकॉर्ड निकालता हूं कि आखिरी 50 कब किए, आपको पता चल जाएगा, कम से कम 15-20 मैच हो चुके होंगे, अभी मैं निकाल देता हूं। ठीक है, आप जब तक अपने कुछ नंबर्स निकाले, बट सिक्को साथ साथ आप चले, आप मुझे कल की टीम बना के बताए ना, व्हाट यू सजेस्ट। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर जब नई टीम खिलाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश जाकर हार कर वर्ल्ड कप जीत सकता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाने का फायदा क्या है? ये जो इमरान खान साहब लेकर आ गए हैं के जी, तो हम जहनी तौर पे तो ऑस्ट्रेलियंस नहीं है, हमें तो डरे हुए खौफ के मारे के हार जाएंगे तो क्या होगा। बट आल्सो सिक्को लास्ट वो हार गए थे शायद। अच्छा, इससे पहले कि एक वाकया भट्टी साहब ने बताया इमरान फरहत का, इन्होंने अपना वाकया शेयर किया कि मैं यूबीएल से कप्तान की हैसियत से बैठ गया था। ऐसा नहीं है कि हमारी क्रिकेट में कभी किसी ने कोई ब्रेव डिसीजन नहीं लिया। 2009 में हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे इंग्लैंड, आईसीसी वर्ल्ड टी20, और बाय द वे हम वो जीते थे। हमारा मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 मैच, और उस मैच में जो है वो यूनुस खान कैप्टन थे, उन्होंने आराम किया था और मिसबाउल हक को कप्तानी कराई थी। तो नियत साफ मंजिल आसान। देखिए, नियत में तो हम लोग कोई शक नहीं करें, बट क्रिकेट डर से नहीं खेली जाती, खौफ से नहीं खेली जाती, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का लिबादा ओढ़ने से ऑस्ट्रेलियन नहीं बन सकते, जो कि हमारे साबिक कप्तान जो है हमें ऑस्ट्रेलियन बना दिया। यस, एब्सोल्युटली राइट, बट यू नो अभी हमारी जो कॉन्वर्जेशन है मैच के ऊपर, आई मीन ठीक है, अब कल पाकिस्तान बिग चेंज करता है या नहीं चेंज करता, यू हैव द वर्ल्ड कप कमिंग अप एज वेल। पता है क्या है प्रॉब्लम? ये है कि जो पीसीबी है उधर भी लोग परेशान है कि कहीं हार ना गए तो हमारी छुट्टी ना हो जाए। वैसे आप लोग जो क्रिटिक्स है वो लोग भी तो नहीं पीछे छोड़ते, हम लोग क्या करें? यू गाइस करो, अगर वो कल पूरी टीम खिला देते हैं, दोनों को रेस्ट देते हैं, मैं फुली सपोर्ट करूंगा। अगर 20 पे भी आउट हो जाएगी, मैं सिर्फ ये कहूंगा ये हमारा फ्यूचर है बस। चलिए ठीक है, ये हमारी मॉर्निंग चिट चैट तो चली जाएगी, एंड यू नो ऑफकोर्स आपको बताएं कि कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है, वी आर प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और जैसा याया कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहेगा कि वो जो ऑफ कलर था लास्ट मैच में वो इस मैच में जीत के अपनी जीत का एक सिलसिला आगे बढ़ाए। भट्टी साहब, आपसे भी मैं बात कर रही थी जो टीम की, जैसे शाहीन शाह आफरीदी का तो बता रहे कि रिहैब कम्प्लीट हो गया, तो फखर जमान का जो बता रहे हैं याया, जो मैंने पढ़ा था कि उनकी अभी तक नी इंजरी प्रसिस्ट कर रही है, तो हम क्या उनको एक्चुअली देखेंगे आगे आने वाले मैचेस में या वर्ल्ड कप में, या नहीं है वो बिल्कुल ऑप्शन? मेरा ख्याल में फातिमा, फखर जमान जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी उनकी जो रिकवरी है वो स्लो है। लेकिन कल जो पीसीबी का मीडिया रिलीज आया,
उसमें जो एक जुमला लिखा हुआ था वो मेरे ख्याल हमें सबको खुश होना चाहिए कि हमने बहुत ज्यादा उस चीज को हाईलाइट किया। सिकंदर बख्त साहब तो बहुत ज्यादा वो चीज बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा कि अब शाहीन शाह आफरीदी का वर्क लोड जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान मैनेज किया जाएगा। तो ये तो हम कई महीनों से बल्कि डेढ़ दो साल से ये चीज कह रहे थे कि भी शाहीन शाह आफरीदी का वर्कलोड मैनेज किया जाए। एक और अनफिट प्लेयर फातिमा पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वो हैं उस्मान कादिर। उनके अंगूठे पर फ्रैक्चर है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि जब वो उनके प्लास्टर हटेगा अंगूठे से 16 तारीख को तो क्या वो फुली फिट हो जाएंगे। उस्मान कादिर का भी एक हमारे साथ मसला है, लेकिन जहां तक टीम का ताल्लुक है मेरे ख्याल में अगर हसनैन फिट हो गए तो हसनैन को कल के मैच में खिलाया जाए और खुशदिल शाह आसिफ अली को बिठाकर खुशदिल शाह को खिलाया जाए। आज जब ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे तो मैं सोच रहा था ये होते हैं पावर हिटर। हमारे मुल्क में पावर हिटर की इस्तेलाह तो जब वकार यूनुस दूसरी बार कोच बने थे तो बार बार पावर हिटर की इस्तेलाह उसी वक्त सामने आई थी, लेकिन वो पावर हिटिंग हमें मैचेस में कभी कभार नजर आती है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह आज बैटिंग की है ये पावर हिटिंग होती है। मेरे ख्याल में इस तरह का पावर हिटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाए तो पाकिस्तान टीम का जो टॉप ऑर्डर है फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर इस तरह का पावर हिटर मिल जाए तो एक टीम का सिनेरियो चेंज हो जाए। जो पावर हिटर की बात करें, फिलिप्स ने जो 18वां ओवर खेला था या 19th ओवर खेला था उसमें उन्होंने कुछ 5 चौके मारे, एक चौका उन्होंने बीच की बॉल को ऑन साइड पे मारा, 4 चौके उन्होंने ऑफ साइड पे मारे थे। ये सबसे बड़ा फ़र्क है फातिमा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम लोग जो हैं वो क्रॉस बैट शॉट से आधा खेलते हैं, फिलिप्स में एक कट पर मारा, एक एक्स्ट्रा कवर पर मारा, एक स्ट्रेट मारा मिड ऑफ पे, तो वो लपेट नहीं रहे थे, वो स्ट्रेट मार रहे थे। और मैं बैठा देख रहा था, यही चीज मैं कह रहा था ना कि अगर मेरे पास वैगन व्हील बनाने की फैसिलिटी हो तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग ऑफ साइड पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेल। फिर मुझे लगता है आपके लिए नई जॉब हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा जेंटलमैन, हाउ एक्साइटेड आर यू? न्यूजीलैंड अब आए, फाइनली अब आए खेलने हमारे पास, तो अब अगर उनके प्लेयर्स को चॉइस दी जाएगी या क्योंकि उनका जो इंडियन लीग है उसके साथ उनका क्लैश होगी हमारी सीरीज, तो उनको चॉइस दी जाएगी कि तुमने ये खेलना है या वो खेलना है? देखिए फातिमा, अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। अब ये तो खिलाड़ियों का चॉइस है, क्योंकि आपको आई डोंट नो, ये पता है नहीं पता है कि ट्रेंट बोल्ट जो है उन्होंने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा जी मैं जो है अपनी मर्जी से चलूंगा और मैं जो है आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं चाहिए, और जब मैं अवेलेबल हूँ मैं आपके लिए खेलूंगा, अदरवाइज मैं लीग क्रिकेट खेलूंगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी अपने खिलाड़ियों से कुछ इस तरह की बात चल रही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, भाई खेल में हार जीत जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उनकी जो भी टीम आएगी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे मैदान भरें और हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और हमारी टीम जीते। तो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान, दो हिस्सों में पाकिस्तान आ रही है, और जो वनडे सीरीज़ है वो सुपर लीग का पार्ट है, तो डेफिनेटली वो अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा ऑप्शन देंगे। आपको याद होगा कि हम एक साल पहले जब जनूबी अफ्रीका गए थे तो आखिरी मैच में उनके खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे, तो फिर उनको अपने खिलाड़ियों का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बहुत पहले से तय हो जाती है। एंड इट्स नाइस क्योंकि वो लोग क्रिसमस और न्यू ईयर यही मनाएंगे, यू नो उनको ऑब्वियसली खुशी होती है कि फिक्स्चर्स उनके घर में ही हो, मगर मुझे लगता है टेस्ट सीरीज में वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे जैसे इंग्लैंड आ रहा है। ठीक है, सॉरी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट गुड थिंग इज सिक्को, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुल्तान में मैच होगा, तो वहां हम सबको जाना चाहिए, वी शुड मेक अ प्लान। थैंक यू सो मच वॉचिंग क्रिकेट स्पेशल, हम आपको मिलेंगे कल स्पोर्ट्स फ्लो पे जब पाकिस्तान फेस करेगा बांग्लादेश को। सो विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।